देखो 29वां साल वीर जी नूं जेल च लग गया ते साडा सिख कौम नूं अज तक इंसाफ नहीं मिलिया। सिख कौम का कोई भी कातल अजिहा नहीं जिहड़ा 28 सालों तो जेल च होवे, 17 सालों तो फांसी चक्की च बैठा होवे ते 12 साल अपील ते फैसला ही ना होया होवे। ते हुण तां इह चीज़ आ कि जिस अपील ते फैसला होना ही नहीं हैगा, 29वां साल जेल च लग जाए, किन्नियां सजावां दूरियां तीरियां सजावां हो चुकियां ने। इसे करके वीर जी की मंग ही यही आ कि उस अपील नूं वापस लिया जाए। वीर जी दीआं दो चिट्ठियां दे करके ही सिंह साहब जी ने बंदी छोड़ दिवस से जिहड़ा खालसा पंथ नूं संबोधन होए सीगे, संदेश जारी किया खालसा पंथ नूं बंदी छोड़ दिवस से, उहदे ते सिंह साहब जी ने श्रोमणी कमेटी नूं भी आदेश किया ते दिल्ली कमेटी नूं भी आदेश करके 15 दिन का समा दिता गया दिल्ली कमेटी नूं कि दिल्ली 15 दिन के समय के केंद्र सरकार नाल गल करके मसले नूं हल करो। हुण देखदे आ कि इन्हां 15 दिनों के सिंह साहब जी ने जो समा दिता साडियां संस्थावां दे आगूआं नूं, हुण साडे संस्थावां दे आगू सिंह साहब जी दे आदेश ते किन्ना कु गंभीर हुंदे ने इस मसले प्रति, ते केंद्र सरकार दा की रवैया हुंदा, की असर हुंदा, इह तां उहनां दे साडियां संस्थावां दीआं कोशिशां तों बाद ही पता लगेगा। क्योंकि 12 साल साडियां संस्थावां दे आगूआं ने जिहड़ियां कोशिशां कीतियां ने उहदा कोई सार्थक नतीजा निकलिया नहीं। 29 साल हो जाण जेल दे विच बंद ते 17 साल फांसी चक्की च रख के 12 साल अपील ते फैसला ही ना किया जाए, इस तो बड़ी बेइंसाफी होर की हो सकती है जी। साडे तां वीर जी ने यह भी लिखिया कि दशमेश पिता जी ने तो खालसा पंथ की साजना ही इसलिए की सी जुल्म के विरुद्ध ते बेइंसाफियां दे खिलाफ, ते इस करके इस अपील नूं वापस लिया जाए ताकि पूरी दुनिया नूं पता लगे कि केंद्र सरकार दे इंसाफ दा तराजू की है।